আজি ঘোষণা করা হয়েছিল উচ্চতর মাধ্যমিকর ফলাফল, আর উচ্চতর মাধ্যমিকর ফলাফলত একমাত্র বরাক উপত্যকার মান উজ্জ্বল করবলে সক্ষম হয়েছিল জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, যেগারী জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী আসলে মূলত খাইলাকান্দির, আর যেহেতু পুয়ারেপরাই খাইলাকান্দির জাহাঙ্গীর আলমর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা চলা হয়েছিল, কিন্তু তাক কোনেও পোৱা নাছিল। এই মুহূর্ত আমার সঙ্গে ভিডিও কলত আছে জাহাঙ্গীর আলম। ফার্স্ট অফ অল কংগ্রেচুলেশন জাহাঙ্গীর আলম, ক্যা কহনা চাওগে ইস বারে মে সাকসেস কে বারে? আচ্ছা লাগ রহা হ্যায় না, মেহনত হ্যায় মেহনত কা ফল আয়া হ্যায়, আচ্ছা লাগ রহা হ্যায়। অর মে তো আবি বাহার হুঁ, ওয়হাঁ পর বহুত সেলিব্রেশন কর রহে হ্যায়। আই এম জাস্ট হ্যাপি দ্যাট মাই প্যারেন্টস আর ফিলিং প্রাউড অন মি, অ্যান্ড মাই স্কুল অথরিটি অ্যান্ড স্কুল ম্যানেজমেন্ট ইজ হ্যাপি, দ্যাটস ইট। सुना गया कि आपके जो पिताजी है वो एक खेती करते हैं। काइंड ऑफ फार्मर है, लेकिन हाँ खेती करते हैं। तो अभी वो कहाँ पे है सुना है? वो उनका तबीयत ठीक नहीं है, वो आईसीयू पे है। हाँ आईसीयू पे नहीं है वो, मतलब सीएमसी चेन्नई में है, उनका स्पाइनल सर्जरी का सर्जरी है। हैदराबाद करना चाहते हैं, फिर कुछ लेंस के हिसाब से चेन्नई चले गए, अच्छा चेकअप करा के उधर फाइनल सर्जरी का वो है। तो दो तीन दिन में कंडीशन बहुत ही मतलब डिटोरेट हो गया था, कल बहुत ही ज्यादा सीरियस था, अभी बाई गॉड ग्रेस वो थोड़ा अच्छा है कंडीशन। तो अभी आप कहाँ पर हो? आई एम करेंटली इन हैदराबाद, मैं हैदराबाद में हूँ, हैदराबाद टोली चौक। जैसे कि आज सुबह हम लोग का हाइलाकांदी का जो कॉरेस्पॉन्डेंट है वो आपके घर पे गए थे, हर तरफ देखा गया कि खुशी का माहौल है, लेकिन आपके घर में खुशी नहीं है। एक्चुअली हेड ऑफ द फैमिली अगर अगर इतनी मुश्किल में है तो जाहिर सी बात है इतने हैप्पी नहीं रहेंगे। उनका तबीयत अभी कैसा है? अभी स्टेबल है, अभी एलाइन इंजेक्शन मेडिसिन देके अभी स्टेबल हुआ है, आई होप सर्जरी हो गए तो अच्छा हो जाएंगे। तो अभी नेक्स्ट एम क्या है, क्या करना है? एक्चुअली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीए फाउंडेशन व्हिच इज इन नवंबर अटेम्प्ट, आई विल गिव नवंबर अटेम्प्ट, और इसलिए मैं हैदराबाद आके कोचिंग कर रहा हूँ, और बीकॉम तो साथ ही लिया है सीए के साथ, और कॉरेस्पॉन्डेंस पैरेलल बीकॉम भी होगा, और सीए फाउंडेशन ट्राई करूंगा सीए बनने के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट। अभी कोचिंग चल रहा है? हाँ अभी अभी हैदराबाद में ही कोचिंग चल रहा है। थैंक यू।